खबर इटावा जिले से है, जहां उदी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मिट्टी का टीला ढहने से मलबे में दबकर जान गंवाने वाले आवारी निवासी श्रमिक कमलेश का शव अस्पताल से शाम को उदी चौराहे पर पहुंचा तो परिवार के लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की खबर होते ही ग्राम पंचायत कामेत प्रधान राजेश भदौरिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदित्य भदौरिया, सोनू पूर्व प्रधान उदी मौके पर पहुंचे और काफ़ी समझा बुझाकर शव को गाड़ी में रखवाया और जाम हटवाने के लिए आग्रह किया। उनके साथ राहुल राजपूत जिला मंत्री भाजपा भी थे, लेकिन घर वाले मुआवजे को लेकर जाम हटाने को तैयार ही नहीं हुए। परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक SDM या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी मुआवजा देने की घोषणा नहीं करेगा तब तक जाम नहीं हटेगा। इस मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने 5 लाख मुआवजा व पारिवारिक लाभ योजना में 30,000 रुपये व कॉलोनी दिलाने का आश्वासन व हर संभव मदद करने की बात कही, तब जाकर जाम खुल सका। बता दें कि आभारी गांव के निकट चंबल नदी के किनारे स्थित एक मंदिर की सपोर्टिंग दीवार का निर्माण करते समय शुक्रवार सुबह मिट्टी का टीला ढह जाने से 3 श्रमिक भाई मलबे में दब गए थे। हालांकि इनमें से 2 लोगों को तत्काल निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जबकि कमलेश को करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका था। कमलेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।